हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी सैम्पल पेपर सीरीज़। ये आपका बेसिक रीजनिंग का सेकंड सैम्पल पेपर है, जिसमें आपको बेसिक रीजनिंग के फुल सिलेबस पे बेस्ड 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल की अगर प्लेलिस्ट ऐप पे आप जाएंगे, यहाँ पर जाके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही हमने सैम्पल पेपर्स की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। सो एज़ यू नो, ये आपका सिलेबस है। इन सभी टॉपिक्स पे बेस्ड टोटल 20 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि साथ साथ ही आप अपनी नोटबुक पेन लेके बैठिए और ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सो दैट एट द एंड हम देख सकें कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो सही हुए। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन बेस्ड है एनालॉजी पे। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्वेस्ट और सर्च का जो रिलेशनशिप है, उसी तरह क्वारंटाइन का रिलेशनशिप किसके साथ होगा इन ऑप्शंस में से। तो अगर हम देखें, क्वेस्ट और सर्च ये दोनों ही वर्ड्स के सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। उसी तरह हमें ऑप्शंस में से वो वर्ड टिक करना है जिसका मीनिंग क्वारंटाइन की तरह हो। ऑप्शन सी जो है ये इसका सही आंसर होगा, सेपरेटेड। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एनालॉजी पे बेस्ड है। जैसे 20 और 11 का रिलेशन है, उसी तरह 102 का रिलेशन इनमें से किसके साथ होगा। तो अगर हम देखें, 20 और 11 का रिलेशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 20 में से 9 माइनस कर दो तो 11 बनता है। यानी एक ये लॉजिक हो सकता है कि 9 माइनस कर दो। उसी तरह देखते हैं, 102 में से अगर हम 9 माइनस करें सेम लॉजिक लगा के, तो हमें मिलता है 93। बट 93 ऑप्शंस में नहीं है, सो ये लॉजिक तो आपका नहीं चलेगा। तो एक और लॉजिक देखते हैं कि 20 को अगर हम डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमें क्या मिलता है, 10, और फिर उसमें हम प्लस 1 कर दें तो 11। यानी हमारा जो लॉजिक है वो है n बाय 2 प्लस 1। तो उसी तरह 102 के साथ भी ये लॉजिक अप्लाई करते हैं, 102 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 51। उसमें हम अगर 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 52। तो ऑप्शंस में 52 है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालॉजीज। यहाँ पे दिया गया है मैगजीन और एडिटर का जो रिलेशन है, उसी तरह से ड्रामा का रिलेशनशिप किसके साथ है। तो देखते हैं, मैगजीन का रिलेशन एडिटर के साथ, यानी जो मैगजीन को एडिट करता है या उसको एक स्ट्रक्चर देता है, वो डिसाइड्स कि मैगजीन में क्या चीज़ें किस तरह से होंगी, वो होता है एडिटर। उसी तरह ड्रामा का स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है, ठीक है, जिस तरह से मैगजीन और एडिटर का रिलेशन है, उसी तरह से ड्रामा और डायरेक्टर का। अब देखते हैं रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स टॉपिक का क्वेश्चन। तो यहाँ दिया गया है क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, यानी क्यू की कोई मदर है जिनका नाम नहीं पता, तो यहाँ पे हम ब्लैंक रखेंगे, सिस्टर है वो पी की। साथ ही दिया है एंड डॉटर ऑफ एम, यानी क्यू की जो मदर है वो डॉटर है एम की। तो यहाँ से आप एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एम आ जाएगा। अब दिया गया है एस इज डॉटर ऑफ पी, तो हम पी की एक जनरेशन नीचे एस बना देंगे, और डॉटर है इसीलिए माइनस साइन फीमेल के लिए। एंड सिस्टर ऑफ टी, यानी एस जो है वो सिस्टर किसकी है, टी की। सो लेट्स सी, क्वेश्चन में पूछा गया है एम और टी का रिलेशनशिप, यानी ये एम और ये टी। तो हमें टी के अकॉर्डिंग देखना है एम कौन है। ये एस और टी जो हैं ये सिबलिंग्स हैं जिनका यहाँ पर नाम नहीं पता, आप एक्स बोल लो। एक्स और पी भी जो हैं ये सिबलिंग्स हैं, ठीक है। एस और टी के ये पेरेंट हैं पी, ठीक है, और ये पेरेंट के भी पेरेंट है एम। पेरेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्लैरिटी नहीं है जेंडर की, एम का जेंडर नहीं पता। एम जो है वो पी के लिए मदर भी हो सकते हैं, फादर भी। सो टी के हिसाब से देखा जाए पेरेंट के भी पेरेंट हैं, तो वो क्या होते हैं, या तो ग्रैंड फादर होंगे या ग्रैंड मदर। हम बी ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते और ना ही सी को इंडिविजुअली टिक कर सकते हैं, हमें ऑप्शन डी चूज़ करना है, इधर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, क्योंकि एम का जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया गया है एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाइज सन। तो इसको राइट टू लेफ्ट हम डील करते हैं एंड देखते हैं। सबसे पहले वाइज सन, तो पहले हम वाई बना लेंगे और उनका एक सन होगा। फिर यहाँ से लेफ्ट मूव करते हैं तो सन ऑफ वाइज सन, यानी इनका भी सन। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द लेफ्ट। अब दिया गया है एक्स जो है वो ब्रदर है,
तो यहाँ पर हम x बना लेंगे और ब्रदर है तो प्लस साइन। सन ऑफ y's सन यानी y के सन का सन है एंड उनका ब्रदर जो है वो है x। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज x रिलेटेड टू y। ये दोनों जो है ये सिबलिंग्स हैं, इनका एक पेरेंट है एंड y उससे भी एक जनरेशन ऊपर, यानी y तो होंगे या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर x के, बट हमें पूछा क्या गया हाउ इज x रिलेटेड टू y। x क्या होंगे y के लिए, वो होंगे ग्रैंड सन, क्योंकि x का जेंडर तो हमें पता था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से कोई एक जो है वो ऑड वन आउट होगा। ऑप्शन ए है पैसो, देन ऑप्शन बी इज डॉलर, ठीक है। ये क्या है, ये है टाइप्स ऑफ करेंसी, साथ ही यूरो भी टाइप ऑफ करेंसी है, बट आउंस इज नॉट अ टाइप ऑफ करेंसी, यानी ऑड वन आउट जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। सो क्वेश्चन 7 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑड वन आउट। कार, बाइसिकल, मोटरसाइकिल और जीप, एक तरीका इनको डिफ्रेंशिएट करने का हो सकता है कि नंबर ऑफ व्हील्स पे बेस्ड हो। सो लेट्स सी, कार हैज़ 4 व्हील्स, बाइसिकल हैज़ 2, मोटरसाइकिल हैज़ 2 एंड जीप हैज़ 4। व्हील्स के बेसिस पे ऑड वन आउट नहीं बता सकते, तो देखते हैं कि कोई और वे है। सो लेट्स सी, कार को चलने के लिए भी फ्यूल चाहिए, मोटरसाइकिल को भी फ्यूल चाहिए एंड जीप को भी फ्यूल चाहिए, बट बाइसिकल को फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बेसिस पे जो ऑप्शन बी हमारा है वो ऑड वन आउट हो जाएगा। ऑप्शन बी बाइसिकल इज द ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ऑड वन आउट पे ही बेस्ड है बट इसमें हमें कुछ नंबर्स गिवन है। ऑप्शन ए है 13 जो कि एक प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 43 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, बट 33 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे 13 के दो फैक्टर्स हैं 1 और 13 इट्सेल्फ, 43 के भी दो फैक्टर्स हैं 1 एंड 43 इट्सेल्फ, बट 33 के फैक्टर्स में 1 भी आता है, 3 भी आता है, 11 आता है एंड 33, तो ये जो है प्राइम नंबर नहीं है। सो आपका ऑप्शन सी जो है वो ऑड वन आउट आ जाएगा। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्शन सेंस। सुरेश स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस गोज 4 किलोमीटर्स इन द ईस्ट। तो सुरेश ने अपने हाउस से स्टार्ट किया और वो ईस्ट की तरफ गया 4 किलोमीटर्स, उसके बाद उसने एक राइट टर्न लिया। अगर ईस्ट से राइट टर्न लेना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे साउथ आता है, तो ही विल गो टुवर्ड्स साउथ एंड वॉक 3 किलोमीटर्स। ये इसका हाउस था और यहाँ पर वो करंटली है। सो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, व्हाट मिनिमम डिस्टेंस will be covered by him to come back to his house। minimum distance क्या होता है, अगर वो यहाँ से directly अपने घर की तरफ जाए तो ये जो है minimum distance होगा। तो ऐसे questions को solve करने के लिए हम use करते हैं Pythagoras theorem का। तो यहाँ पर हमारे पास एक right angle triangle बन गया है जिसका ये hypotenuse निकालने का formula होता है under root of base square plus perpendicular square। तो इसको जब हम solve करते हैं तो answer हमारे पास आता है 5 किलोमीटर्स। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी 5 किलोमीटर्स। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। ललित स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस गोज 5 किलोमीटर्स इन द ईस्ट। तो अगर उसने इधर से स्टार्ट किया है और वो ईस्ट की तरफ जा रहा है 5 किलोमीटर, उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और वो 4 किलोमीटर्स चला, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, दोबारा से एक लेफ्ट टर्न लिया, अब वो नॉर्थ जा रहा था तो लेफ्ट टर्न लेगा, वेस्ट की तरफ जाने लगेगा और 5 किलोमीटर्स वो चलेगा। तो हमें पूछा गया है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस एंड इन विच डायरेक्शन। ये उसका हाउस था और करंटली वो यहाँ पर है, तो डायरेक्शन तो नॉर्थ है, ठीक है। वो करंटली अपने हाउस से देखो तो नॉर्थ की तरफ है, यानी हमारा ऑप्शन बी और डी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें देखना है जो डिस्टेंस है वो 4 है या 5। तो लेट्स सी, यहाँ पर अगर इसे डॉटेड लाइन से आप ज्वाइन करो तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी लेंथ जो है वो 5 है और विड्थ जो है वो 4 हो जाएगी। सो आंसर ए इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बेस्ड है फिगर सीरीज कंप्लीशन पे। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है ए बी और सी स्टेप के बाद डी स्टेप में इन पांचों में से कौन सी फिगर आएगी। अगर ए स्टेप से बी की ट्रांजिशन देखी जाए तो इस फिगर को उन्होंने क्या किया है, 90 डिग्रीज में टर्न कर दिया है और एक मिरर इमेज से उसको कंप्लीट किया, साथ ही उसका अपर हाफ जो है उसको शेड कर दिया है। उसी तरह से जो स्टेप सी है इसको डी में ट्रांजिशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास
ये फिगर दी गई है, तो इस फिगर को भी ये 90 डिग्रीज टर्न करके मिरर इमेज लगाएंगे और अपर हाफ को शेड कर देंगे। तो इस तरह की ऑप्शन इन पांचों में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर जो 3 है वो मैच कर रही है, सो दैट इज़ वाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन 3 आएगा। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन 12। ये भी बेस्ड है फिगर सीरीज कंप्लीशन पे, तो देखते हैं यहाँ पर भी ए से बी में ट्रांजिशन के लिए क्या किया गया है। जो फिगर ए में आउटर शेप है यानी कि जो सर्कल है, उसी सर्कल को उसके अंदर बना दिया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर बनाया गया है। तो उसी तरह से जब सी को डी में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर भी एक स्क्वायर बना होना चाहिए जो कि अंदर से प्लेन होगा। तो लेट्स सी ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है। तो ऐसा ऑप्शन 1 में किया गया है, क्योंकि 3 में जो इनर स्क्वायर बनाया है उसके अंदर भी क्रॉस बन रहा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें प्लेन चाहिए था, इसीलिए हमने ऑप्शन 1 को टिक किया। सो क्वेश्चन 13 देखते हैं, ये बेस्ड है वेन डायग्राम्स पे। तो यहाँ पे हमें डायग्राम चूज करनी है जो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है एनिमल्स, वुल्फ्स और एलिफेंट्स को। तो अगर देखा जाए एनिमल जो है वो एक बड़ा ग्रुप है जिसका पार्ट है एलिफेंट्स और वुल्फ्स। तो इस तरह की फिगर सिर्फ ऑप्शन ए में दी गई है, जिसमें ये आउटर सर्कल रिप्रेजेंट करेगा एनिमल्स को, इनर सर्कल एक रिप्रेजेंट कर देगा एलिफेंट्स को और एक इनर सर्कल रिप्रेजेंट कर देगा वुल्फ्स को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। कैरेट फूड एंड वेजिटेबल, यहाँ पर देखा जाए तो जो फूड है ये सबसे बड़ा ग्रुप है, वेजिटेबल इज़ अ पार्ट ऑफ फूड और कैरेट जो है वो पार्ट है किसका, वेजिटेबल का। तो इस तरह की जो फिगर है वो है ऑप्शन सी, जिसमें सबसे बाहर वाला जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करेगा फूड को, उसके अंदर वाला सर्कल वेजिटेबल्स का एंड सबसे अंदर वाला सर्कल जो है वो कैरेट्स को रिप्रेजेंट कर देगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सो आई होप यू गाइज आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस एज वेल। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, यहाँ पर क्वांट स्टडी दो वर्ड्स लिए गए हैं। क्वांट का कोड जो है कुछ गिवन है और आपने स्टडी का कोड इनमें से चूज करके बताना है, सेम लॉजिक से जिससे क्वांट को कोड किया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये नितिन सर ने भी समझाया था एनोलॉजी की वीडियो में। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो था कि हमने क्वांट के अल्फाबेट्स को रिवर्स करके लिख लिया, पहले टी लिखा, फिर एन, देन ए, देन यू एंड देन क्यू। उसके बाद क्या किया गया है, टी का ऑपोजिट लेटर लेना है। सो लेट्स सी, यहाँ से जब हम देखते हैं टी के ऑपोजिट आता है जी, तो हम लिख लेंगे जी। उसी तरह से एन के ऑपोजिट आता है एम, ए के ऑपोजिट जेड, यू के ऑपोजिट आता है एफ और क्यू के ऑपोजिट आता है, यहाँ से जब हम देखते हैं क्यू के ऑपोजिट आता है जे। तो यही कोड था क्वांट का, इसी लॉजिक से हमें स्टडी का कोड जो है वो बनाना है। सो लेट्स सी, तो सबसे पहले हम स्टडी के अल्फाबेट्स को रिवर्स करके लिख लेंगे। सबसे पहले वाई, देन डी, यू, टी एंड एस, एस टी यू डी वाई, ठीक है, रिवर्स करके लिख लिया। तो अब हमें इन लेटर्स का ऑपोजिट लेटर जो है वो लिखना है टू गेट द कोड। तो वाई के ऑपोजिट आता है बी, डी के ऑपोजिट आता है डब्ल्यू, यू के ऑपोजिट आता है एफ, टी के ऑपोजिट आता है जी और एस के ऑपोजिट एच। तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, बी डब्ल्यू एफ जी एच। तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है वो ये लगाया गया है कि क्वांट का जो कोड है वो 73 कैसे आया। क्वांट वर्ड के हर अल्फाबेट की जो पोजीशन होती है उसको ऐड कर दिया है, जैसे क्यू के लिए होता है 17, यू के लिए होता है 21, ए के लिए 1, एन के लिए 14 और टी के लिए 20। तो इनका जब हम सम करते हैं तो हमें मिलता है 73। तो उसी लॉजिक से अगर हमें स्टडी वर्ड का कोड बताना है तो एस के लिए देखना है क्या पोजीशन होती है 19, टी के लिए 20, यू के लिए 21, डी के लिए 4 और वाई की पोजीशन होती है 25। तो इनका जब हम सम करते हैं वी गेट 89। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 89। क्वेश्चन 17 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पर बोला गया है आई इज कॉल्ड हैंड, हैंड इज कॉल्ड माउथ, ठीक है, एक कोड लैंग्वेज है जिसमें आई को हैंड, हैंड को माउथ बोला जाता है, माउथ को बोला जाता है ईयर, ईयर को बोला जाता है नोज और नोज को क्या बोला जाता है, टंग। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ पर्सन हियर। अगर नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या बोल देंगे कि ऑप्शन सी है, क्योंकि ईयर से ही तो सुनते हैं, बट कोड लैंग्वेज में हमें क्या बोला गया था, ईयर इज कॉल्ड नोज।
तो आंसर में हमें क्या टिक करना है? नोज। तो इस क्वेश्चन में हमें ये नंबर सीरीज़ कंप्लीट करनी है। इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और एक बीच में मिसिंग वैल्यू है, क्वेश्चन मार्क है, वहाँ हमें बताना है ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आएगा। सबसे पहली अप्रोच जो माइंड में आती है कि हम डिफरेंस चेक करते हैं। 4 और 6 में जो डिफरेंस है वो है 2 का, 6 और 10 में 4, 10 और 16 में 6, 16 एंड 24 में जो डिफरेंस है वो है 8 का, 24 और 34 में है 10 का डिफरेंस। तो अगर आप देखें ये जो डिफरेंस है, इन डिफरेंस में प्लस 2 हो रहा है, तो उसी लॉजिक से 34 और इस मिसिंग नंबर में डिफरेंस होना चाहिए 12 का, और इस मिसिंग नंबर और 60 में डिफरेंस होना चाहिए 14 का, राइट? इफ़ वी आर 12 इन 34 तो हमें मिलेगा 46, और फिर उसमें 14 ऐड करके 60 मिल जाएगा, यानी ये जो सीरीज़ हमने बनाई ये सही बनाई। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, 46। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो अगर हम ध्यान से देखें ये जो नंबर्स हैं ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट नंबर जो हमारा इस सीरीज़ में आ जाएगा वो आ जाएगा 23, जो कि एक प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, ये भी है नंबर सीरीज़ पे बेस्ड। तो इस सीरीज़ में क्या किया गया है, पहले दो नंबर सेम है, तो यहाँ पर किया गया है मल्टीप्लाइड बाय 1, उसके बाद किया गया है मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 से मल्टीप्लाई किया है 8, 3 ज़ा 24, उसके बाद 24 को 4 से मल्टीप्लाई करके 96, तो यानी 96 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 96 को 5 से तो हमें मिलता है 480, तो हमारा इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो इसके साथ हमारे 20 MCQs जो हैं वो ख़त्म होते हैं। साथ ही मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाइए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। YouTube के अलावा आप हमसे बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे Facebook, Instagram और Telegram। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।